मैं जब तक मैं क्वालिटी नहीं क्रिएट करूंगा मैं मुझे आपका पैसा चाहिए नहीं। देखो मैं ग्लोबली मैंने दुनिया में एक आवाज़ लगा दी है, तो जो जिनको पता है कि ये बिजनेस चलता कैसे एजुकेशन का वो तो आ गए मेरे पास, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स की तो प्रॉब्लम ही मुझे नहीं है, मुझे क्वालिटी ऑफ लोगों के साथ प्रॉब्लम है। इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रखा है उसमें क्वालिटी, वी आर गोइंग विद द क्वालिटी ऑफ पीपल। हमें मतलब अब पाकिस्तान में आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा तो सऊदी अरब आपको प्रॉफिट दे देगा, तो आप तो यूनिवर्सिटी में पार्टनर है ना, आप जहाँ पे हमने अच्छे काम करने, कुछ गरीबों के लिए कुछ करना है जो नहीं, मैं यार अज्यूम कर लो मैं नॉन अफोर्डिंग कर लो, मैं नहीं जा सकता तो मैंने भी तो पढ़ना है ना, मेरा भी तो हक है। वी विल स्टिल गिव यू एडमिशन, वी विल गिव यू द एडमिशन, क्योंकि तुमने अगर पढ़ लिया तो हमने तो तुम्हारी पूरी नस्ल संवार ली ना। मे इसके पीछे एक फिलॉसफी है, आई विल प्रॉबली एंड अप बिकमिंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, पाकिस्तान का पहला यूनिकॉर्न है, बिलियन डॉलर की प्लस की इन्वेस्टमेंट मेरे पास ऑलरेडी इन लाइन है। तो पैसा, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट यू प्रोड्यूस। पैसा क्या कब्र में लेके जाना मैंने? पाकिस्तान की जो HEC है ना वही अकेला काफ़ी है पाकिस्तान का डेट पे ऑफ करने के लिए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है मैंने। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि हम समझते कि कोलैप्स हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया है, उसने कुछ नहीं प्रोड्यूस करा, वो अकेला काफ़ी है पाकिस्तान का डेट पे ऑफ करने के लिए। एंड आई स्टैंड बाय माई कमिटमेंट जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया इतनी तरक्की कर गई है। एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वक्त से पहले की जो बात होती है, समटाइम जो लोग इस काम के अंदर हैं अगर वो इमेजिन करेंगे वो खुद अपने रास्ते तलाश करेंगे कि मैंने जो कहा ठीक कहा। बुनियादी तौर पर इन शॉर्ट टर्म उसको आसान करके बताया तो इसमें से तुम AI और एल्गोरिथम सारे निकाल दो, अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी स्किल प्रोग्राम को कैपिटलाइज कर लिया कि उससे पैसे कैसे बन रहे इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपका डेट पे ऑफ हो गया। वन ऑफ द थिंग्स पाकिस्तान के हवाले से तो यही होगा ना। अब पाकिस्तान की अब ये थोड़ी है कि तुम अपनी जेब में भरते जाओ, टैक्स दोगे भाई, टैक्स के बगैर मैं डिग्री नहीं दे रहा, यू हैव टू बी अ टैक्स पेयर। क्यों? आपको टैक्स देने की आदत ही, हमें सिखाया जाता है कि टैक्स बचाना कैसे, झूठ कैसे बोलना है, फ्रॉड कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। इसमें दो पार्टियां इन्वॉल्व हैं, एक FBR है, एक बिजनेसमैन है। तो जब आप किसी एक को तो आप ठीक कर सकते हैं ना, आपने टैक्स देना है तो जो लीगल जो सही बनता है वो देना है, और अगर कोई फिर बदमाशी करेगा तो फिर हम खुद देखेंगे। हम AI के थ्रू आ रहे हैं, आई नो हाउ टू गेट रेड ऑफ करप्शन, मजाक नहीं है ये कोई। अगर तुमने $1,00,000 पैदा किया है या तुमने $1,000,000 पैदा किया है तो तुम टैक्स दे दो, ख़त्म। मैं तो प्रो टैक्स हूँ ना कि दो, वरना कैसे मुल्क का चलाएंगे। अच्छा तुमने टैक्स दे दिया, तुम्हारे इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि नहीं जी आपका टैक्स तो डबल ट्रिपल है, वो नहीं कर सकता। हम पहले FBR को वी आर गोइंग टू साइन एन एग्रीमेंट विद द FBR कि जो हमारी रिपोर्टिंग है वो ये क्लियर कट है, ये इस तरीके से रिपोर्टिंग है, ये मेथडोलॉजी, नो ह्यूमन इंटरेक्शन। वो ऑलरेडी नो ह्यूमन इंटरेक्शन पे तो ऑलरेडी मौजूद है, उसमें सिर्फ हमने डायनामिक्स चेंज किए हैं। पाकिस्तान हैज़ टू सर्वाइव एंड पाकिस्तान विल सर्वाइव इंशाल्लाह। इसलिए तुमको ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी अकल में नहीं आता कि इतनी बड़ी इकॉनमी कैसे कोलैप्स कर सकती है $1.5 अरब के साथ, ये नहीं हो सकता। और मैं भी इकॉनमिस्ट हूँ, मुझे भी मालूम है कि क्या सच है और क्या नहीं है सच। आप IMF या वर्ल्ड बैंक या इनके प्रोग्राम्स के साथ आपको इसी चलना पड़ा कि आपके पास आपकी सोर्स ऑफ इनकम, टैक्स कलेक्शन, हर चीज़ पोलिटिसाइज हुई हुई। अभी आप ठीक करेंगे वो नॉर्मल हो जाएगा सारा कुछ। सो पाकिस्तान विल सर्वाइव इंशाल्लाह।